हेलो मैम। हेलो। यस मैम, बताइए। मैम, मुझे अपने घर का रेजिडेंशियल का डिज़ाइन कराना था, तो आप ओनली डिज़ाइनिंग करते हो कि एग्जीक्यूशन भी करते हो? मैम, हम डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों करते हैं। वी हैव अ कंप्लीट सेटअप। अगर आपको खाली डिज़ाइनिंग कराना है तो वी कैन डू दैट ऑल्सो। तो आप खाली रेजिडेंशियल करते हो? नो मैम, हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, हर टाइप के प्रोजेक्ट्स करते हैं। मैम, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? मैम, मुझे तो रेजिडेंशियल कराना था, बट मेरे ऑफिस की एक वॉल है जो डैमेज हो गई है और मुझे उसमें कुछ खर्चा नहीं करना ज़्यादा, तो आप मुझे उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे? मैम, एक छोटा सा वॉल है तो उस पर पेंट कराना तो इट्स अ बिग डील फॉर यू ना। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप कुछ WPC टाइप के पैनल्स आते हैं, कुछ चारकोल पैनल्स आते हैं, तो वो आप करा सकते हो। उससे क्या होगा, आपका डैमेज वॉल कवर भी हो जाएगा और वॉल भी हाईलाइट हो जाएगा आपका। तो आप छोटे प्रोजेक्ट्स भी करते हो? मैम, कहते हैं ना, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। यस मैम, बताइए। मैम, एक्चुअली मुझे तो अपने घर का रेजिडेंशियल का ही कराना था, बट आई एम हैप्पी कि आप छोटे प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करते हो। तो yes, अभी जो क्या है कि मुझे अपना बेडरूम डिज़ाइन कराना है। बेडरूम मेरा काफ़ी बड़ा नहीं है, छोटा बेडरूम है, बट मेरा बजट जो है वो टाइट है, मुझे उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो आप मुझे उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? मैम, जब क्लाइंट का बजट काफ़ी टाइट होता है तो हम क्या करते हैं उस केस में, उनके कुछ पुराने फर्नीचर रीयूज़ करते हैं। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल इन मार्केट, जैसे हम फर्नीचर का लुक एंड फील पूरा चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या है, आपके टाइट बजट में काफ़ी अच्छा इंटीरियर हो जाता है। मैम, हमें कुछ ऐसा ही चाहिए था कि हमें कोई ऐसा बंदा मिले जो ये चीज़ हमारा कम बजट में हमारे को डिज़ाइन करके दे। एंड नाउ, बट अभी क्या है ना, मार्केट में मुझे एक चैलेंज आ रहा है कि आप कम बजट में आप कर तो दोगे, बट आप क्या करोगे, आप क्वालिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप क्वालिटी लो कर दोगे, एंड या तो फिर आप काम बीच में छोड़ दोगे, फिर ये आप कैसे कर दोगे? देखिए मैम, इस चीज़ के लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके हैंड ओवर तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और रही बात क्वालिटी की, तो मैम क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ हम बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि हम अगर क्वालिटी ठीक नहीं देंगे तो क्लाइंट तो हमसे काम ही नहीं कराएगा, हमें प्रोजेक्ट्स ही आगे नहीं मिलेंगे। हाँ जी। तो आप डिज़ाइनिंग फीस भी लेते हो? यस मैम, डिज़ाइनिंग फीस हमारे काफ़ी नॉमिनल है, दैट विल बी एडजस्ट अगेंस्ट द ऑर्डर वैल्यू। बट मैम, मार्केट में तो विदाउट डिज़ाइनिंग फीस भी वर्क हो रहा है। टू बी वेरी फ्रेंक मैम, मुझे इस इंडस्ट्री में 6 to 7 years कंप्लीट हो चुके हैं, बट स्टिल अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि कोई भी डिज़ाइनर फ्री में आपके लिए काम करे। जी, वो वैसे ही नहीं लेगा तो एग्जीक्यूशन में ऐड करके अमाउंट ले लेगा, तो बात एक ही बराबर होती है मैम। बट नाउ मैम, अगर मैं डिज़ाइनिंग फीस आपको पे करती हूँ और मुझे आपके डिज़ाइन नहीं अच्छे लगते, फिर वो चीज़ कैसे होगी, आप उसको कैसे सजेस्ट करते हो? मैम, हम क्या करते हैं, कुछ मॉकअप्स बनाते हैं, दो तीन ऑप्शंस हम क्लाइंट्स को देते हैं, ताकि क्लाइंट्स की पसंद भी हमें भी पता चलती है, इवन आपको भी एक आइडिया हो जाता है कि मेरा टेस्ट क्या है। और बाकी मैम, मेरी लाइफ की हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को डिज़ाइंस पसंद ना आए हों, बट स्टिल अगर आपको नहीं आते हैं तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट वरी। थैंक यू सो मच मैम, एक्चुअली मुझे आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा है। सेम टू यू। बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप मेरा बेडरूम डिज़ाइन करने वाले हो, सो नाउ मैं देखती हूँ आप उसे कैसे डिज़ाइन करते हो मैम। बिल्कुल मैम, थैंक यू।